नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, कई टॉपिक्स हैं आज हमारे पास। एक तो क्या है कि एक हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई थी जिसमें दो परिवारों ने शादी को लेके आशीर्वाद मांगा था। वो पिटिशन के बारे में न्यूज़ उल्टी सीधी चल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दूसरा क्या है कि हमने कुछ चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की हैं फ़िलहाल की मोमेंट्स देख के, और कुछ पैटर्न देख के क्राइम का, कि जो यूपी के अंदर जो क्राइम पैटर्न शायद वैसा वैसा मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा क्या है, सफाई अभियान को लेके जिस तरह से पैसा इकट्ठा हो रहा है, और ये सफाई अभियान अलग अलग जगह घोषणा करना और ये सब नौटंकी करना, तो इसको लेके भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद आखिरी में एक प्रेमी सेवक जो नया सेटअप खड़ा किया गया है, नया किया है, इसको लेके भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रवि कुमार और अशोक कुमार की तरफ से एक पटिशन डाली गई थी हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, और इस पटिशन, इसके अलावा एक टॉपिक और रहेगा, मेरे याद आ गया, जो हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है पंचकुला दंगों को लेके, वो आज सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो क्या है कि रवि कुमार और अशोक कुमार दो लड़के थे जिनकी शादियां हुई और जिन्होंने एक पटिशन डाली थी 1 साल पहले, और ये पटिशन डाली थी भाई हमें आशीर्वाद दिला दो और हमें आशीर्वाद चाहिए, और वो पटिशन ख़त्म हो गई है, मतलब हाई कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो गई है। उसके बाद अखबारों में, चैनलों ने, कहीं उन्होंने खबर दी है, लेकिन क्या है कि अब उनको पता चल जाता है अभी खबर पेड है, क्योंकि जब अकल की जगह भूसा भरा हो तो फिर खबर से दिख जाता है अभी कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं है। एक्चुअल में वो पटिशन क्यों लगाई गई थी और उस पटिशन को किस तरह से लगाया गया था, भारत के कानून में या भारत के संविधान में कह लो, कानून में एक प्रावधान है कि जो प्रथा चलती आ रही है लंबे समय से, जैसे किसी तरह की शादी करने की प्रथा है, मान लो किसी की, कोई कहता है जी पहले पेड़ के साथ शादी करी जाती है फिर शादी होती है, किसी का फेरे लेने का सिस्टम है, किसी का वो गुरु ग्रंथ साहिब के क्या कहते हैं उसे लावा लेने का है, नंद कारज कह देते हैं, किसी के निकाह होता है मुसलमानों में, ऐसे अलग अलग तरह से शादी की प्रक्रियाएं हैं। तो भारत के कानून में एक नियम है कि अगर कोई भी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही हो तो उस प्रक्रिया के तहत कोई शादी करना चाहता हो तो वो शादी करवाना कानूनन उसको अधिकार है और कानून को उसमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो डेरा सच्चा सौदा 1948 में बना और उसके लगभग 20 साल बाद ये कानून बना। तो 1948 से डेरे में एक प्रथा है भी, डेरा सच्चा सौदा में भी सात संगत के सामने हजूर पिताजी या जो भी डेरा मुखी रहे, मस्ताना जी महाराज या शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनके सामने उनके आशीर्वाद से शादी संपन्न होती रही है। तो इस कानून के तहत डेरे की सात संगत मतलब इस कानून के दायरे में आती है भी, वो चाहे तो इस कानून के तहत कोई भी जो लड़का लड़की है वो शादी कर सकते हैं और कानून का फर्ज है इस दायरे में उनकी शादी करवाना। और इसे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3, ये कानून में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें कानून लिखा है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3, तो उसके तहत ये शादी कानूनन जायज है। अब उस कानून की पालना करने के लिए हाई कोर्ट में एक पटिशन लगी भी, इस कानून के तहत हमारी शादी हजूर पिताजी के आशीर्वाद के तहत तय होनी चाहिए, ये दो परिवारों ने दावा किया। तो उसमें कोर्ट ने कहा भी, ये उसमें सरकारी वकील जब दलील देते रहे तो पहले तो समझ आ रहा था अभी कोर्ट का, क्योंकि अब हाई कोर्ट चंडीगढ़ का तो आपको पता ही है कैसी है, फिर भी चलो उसमें 2 बार जज बदले गए 1 साल के अंदर। उसकी सुनवाई में जज जो पहले जज थे उन्होंने जानबूझ के 4 5 6 महीने 3 4 पेशियां तो वैसे ही टपा दी, और उल्टा 1.5 साल से ऊपर हो गया इस पिटीशन को शायद, हाँ 1.5 साल के आसपास भी ऐसे टपा दी ये 3 4 पेशियां भी, हाँ जी ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। आखिर फिर ये पिछले साल ये जून से जूपी वाला आ ही गया। अब जूपी वाला आ गया, अब इसको इसको तो वो गुरु मानते ही नहीं है,
तो उन्होंने इस बार क्या किया, जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने बोला जी ऐसा है भी इस बंदे को तो हम गुरु ही नहीं मानते, तो इस बंदे से आशीर्वाद दिलवा के हमें लेना है क्या। कि जब कोर्ट ने कहा भी ठीक है अब तो आशीर्वाद खुल्लम खुल्ला मिल रहा है तो मैं अलग से लेने की क्या ज़रूरत है कोर्ट के थ्रू, तो जाके ले लो। तो फिर वकील ने कहा इनके भी ये तो बंदा ही नकली है जी, इसको तो नकली ही मानते हैं, इससे तो आशीर्वाद लेने का तुक ही नहीं बनता। और जब ये बंदा नकली है और कोर्ट जब तक ये नहीं कहेगी भी ये नकली है कि असली है, तो ये आशीर्वाद दिलवा भी दोगे तो कोई कोई कानून तो हुआ ही नहीं। तो बेटर है जी हमारी याचिका हमें वापस दे दो, हमें इस पर कार्रवाई चाहिए ही नहीं। जब हाई कोर्ट सुनना ही नहीं चाहती भी ये नकली है या असली, तो फिर हमें आशीर्वाद के कैसे क्या फ़ायदा लेने का। तो ये कह के उन्होंने पिटीशन वापस ले ली। तो कोर्ट ने उसमें अपने ऑर्डर में लिखा है भी ये पिटीशन जो है वो याचिकाकर्ता ने वापस ले ली है, ना कि रद्द की गई है। और उसमें जब रद्द की जाती है तब डिसमिस्ड लिखा जाता है भी डिसमिस हो गई है भाई, अब इसमें कोर्ट ने सुनवाई खत्म कर दी है और इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर उसकी मान ली जाती है तो अलाउड लिखा जाता है, और अगर मैटर बीच में रफा दफा हो जाए तो उसमें डिस्पोज लिखा जाता है। तो जब पटिशन वापस ले ली तो पटिशन को डिस्पोज कर दिया गया, तो ये पटिशन डिस्पोज हुई है। अभी क्या है कि एक प्राइम एशिया है, दैनिक भास्कर ने बकवास खबर चलाई है, हालांकि हमने आपको दे दी थी। वो क्या है कि उनको 4 पैसे खिला दो, उन तो जैसा जो पैसे खिलाएगा उसकी तरफ नाचने लगेंगे, तो ज़्यादा पैसे मिल गए होंगे इस बार, ज़्यादा नाचने लगे थोड़ा। हालांकि ये नहीं बताते हाई कोर्ट के अंदर, ये मना ही कर दिया इसको गुरु मानने से, इनकार कर दिया उन्होंने भी, ये हमारा गुरु है ही नहीं, हम क्यों लें इसका आशीर्वाद। अब तो कोर्ट दिलवा रही थी भी जाके ले लो, अब तो उन्होंने मना कर दिया भी हमने लेना ही नहीं, हम तो अपनी पिटीशन वापस लेंगे। तो ये मसला हुआ था रवि कुमार वाली पिटीशन में। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहे, बाकी क्या है कि एडम ब्लॉक के भगत कुछ ज़्यादा ही हैं जो ज़्यादा चिल्लाते हैं। इसके अलावा एक सफाई अभियान को लेके बात चल रही है। सफाई अभियान में क्या है कि सफाई अभियान राजस्थान में अचानक से पूरा सफाई अभियान रख दिया गया। आपको लगे अभी पिताजी के होते तो कोई परमिशन मिलती नहीं थी, अचानक से पूरे पूरे स्टेट की परमिशनें मिलने लगी हैं। एक्चुअल में क्या है भी ले दे के इनके पास 60-70 हज़ार आदमी हैं, वही 60-70 हज़ार आदमी कहीं भी घुमा लो, बाकी मनरेगा के वर्कर लेबर चौक से चुके वर्कर कर करके मुश्किल से 1 लाख लोग इकट्ठा कर पाते हैं। अब उन 60-70 में से 40-50 हज़ार लोगों को इन्होंने राजस्थान में भेजना होगा। अब 40-50 हज़ार पूरा राजस्थान में कहाँ कहाँ फिट आएंगे आप अंदाज़ा लगाओ, तो लगभग एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 से 2000 आदमी होगा। अब 2000 आदमी पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई मायने, कोई उसकी पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस इनको भेजना है। तो लेकिन क्या है कि परमिशन वो करें ना करें वो एक बराबर है, क्योंकि हरियाणा में क्या हुआ है, 500-500 किलोमीटर दूर संगत को बुलाया गया, एक डिस्पेंसरी साफ कराई जो उन्होंने आधे घंटे में साफ कर दी, और उसके बाद 5-5 घंटे बिठाया गया और कुछ करवाया नहीं गया। तो यही काम राजस्थान में करना है। लेकिन इसके पैरेलल क्या है, ये जहाँ जो लोग नहीं जा रहे हैं उनकी नामचर्चाओं में जाके पैसा मांग रहे हैं जी हमें बसें भेजनी है और हमारे को पैसा दे दो। और एवरेज एक बस का पैसा 50 हज़ार से 60 हज़ार रुपये मांगा जा रहा है कि अगर आप नहीं जा सकते तो जो जा सकते हैं उनके लिए पैसा दे दो। अल्टीमेटली जाना किसी ने नहीं है, पैसा सबने इकट्ठा करना है। इधर क्या है भी सबको डिस्ट्रिक्ट दे तो दिए गए लेकिन वहाँ की स्थानीय संगत भी रहेगी, तो मुश्किल से 500 हज़ार आदमी कैमरे के ऊपर, वैसे ही 5 हज़ार लगता है। तो वो क्या है 2-4 जगह स्क्रीन लगा के यूपी वाले ने नौटंकी कर देनी है, लेकिन उसकी आड़ में पंजाब हरियाणा में जगह जगह जाके जो 45 मेंबर पैसा मांग रहे हैं 50 हज़ार पर बस का, इसके अलावा जो लोग फ्री है लेबर क्लास वर्कर है उनको जबरदस्ती बस में बिठा के बोल रहे हैं जी आपको 100-100 रुपये मिलेंगे, 200-200 मिलेंगे, जाना जाना फ्री है, खाना पीना फ्री है, आपने जाके आना है। ज़्यादातर संगत को जानबूझ के जयपुर भेजा जा रहा है, ना कि बाकी शहरों में, क्योंकि जयपुर के अंदर इसको कोई अपना बड़ा कार्यक्रम करना है। लेकिन आपको अचानक लगे भी ये इतनी सारी बसें अचानक से जाना और इस तरह से जिस चीज़ की सिग्निफिकेंस बनेगी नहीं वो क्यों है, क्योंकि एक तरफ तो राजस्थान के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसलिए ये अपनी जगह जगह नेताओं से सेटिंग करना चाह रहे हैं। मैं वो ये दिखाएंगे भी ये राजस्थान के लोकल लोग हैं जबकि ये सारे बाहर से आ रहे हैं और लेबर क्लास बंदे हैं, कोई ऐसा नहीं है भी कोई बुद्धिजीवी या समाज में अच्छे सम्मानित लोग हैं, सब लेबर क्लास लोगों को ले जाया जा रहा है। लेकिन क्या है उधर से इलेक्शन को इनकैश करना है इन्होंने राजस्थान में, तरीके से बीजेपी का प्रचार करना है। सेकंड क्या है कि क्योंकि अभी हम लोगों कई ब्लॉकों ने बताया कि हमारे तो बसें फ्री में जा रही हैं भी यहाँ से सारी, तो इतनी मूवमेंट जो इतने शहरों से चलती है, जैसे हरियाणा के गांव गांव में चली ये चली, और हरियाणा के सफाई अभियान के जस्ट बाद कोर्टों के अंदर बम की अफवाह, फिर कई जगहों पे ग्रेनेड मिले, कहीं कारतूस मिले, तो ये सब क्या है कि ये भी संभावित है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं अभी डेरे की मैनेजमेंट का ओपन लेवल पे
क्रिमिनल एक्टिविटीज में साफ दिखाई देता है। तो पॉसिबल है कि सारी मूवमेंट के आड़ में कोई बड़ी स्मगलिंग कर रहे हो सकता है ड्रग्स की कर रहे हो, क्योंकि पहले भी इन्होंने गांधीनगर जाके नाम चर्चा करके आए स्पेशल यहाँ से संगत ले जाके, और उसके बाद पता चला वहाँ से हजारों करोड़ की हीरोइन स्मगल हो रही है। तो ये कोई पता नहीं है भी ये स्मगलिंग कर रहे हो उसकी आड़ में, तभी इनको इतना पैसा दे कौन रहा है ये सब फ्री में कराने के लिए सब कुछ। तो ये चीज़ ध्यान रखना भी सफाई अभियान की आड़ में स्मगलिंग भी हो सकती है, और कल को आप जिस बस में ट्रैवल कर रहे हो पता लगे आपकी बस की छानबीन हुई तो आपके वहाँ से सामान निकला, और पता लगे जी जिम्मेवार खिसक गया और आप ये सफाई देते रहो भी ये सामान कहाँ से आया आपकी बस में आपके पास, तो आप फंस जाओ। तो थोड़ा इस चीज़ पे अगर आप जाएं भी तो चौकन्ने रह के जाएं। इसके अलावा क्या है कि ये किसने चलाया, प्रेमी सेवक। अच्छा, पर बस 80,000 रुपये भी क्या रहा कहीं जगह जी। ये किसने चलाया, प्रेमी सेवक। असल में क्या है कि जब आप पंजाब में जाओगे, परम पिताजी अक्सर एक बात कहा करते हैं भी डेरे में डेरा जो अपना सज्जना सच्चा सौदा ये सभी धर्मों का सांझा है, लेकिन परम पिताजी अक्सर क्या करते हैं भी एक संस्था है जिसका नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऐसा कुछ नाम है। तो ये एक संस्था है, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड से बढ़ के काम करती है ये संस्था। क्या करते हैं पिताजी, परम पिताजी कहते हैं भी इस संस्था से अपने तालमेल नहीं है, क्योंकि ये संस्था का जो मिशन है वो डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल उल्टा है। और तब परम पिता ये बताया करते हैं भी ये संस्था क्या करती है, ये तोड़ने का काम करती है, अपना काम है जोड़ने का। तो ये अपने बिल्कुल उल्टा है इनका मिशन। तो इसलिए कल को अगर डेरे को कोई दुश्मनी, कोई डेरे का दुश्मन बनेगा तो यही संस्था बनेगी। तो अगर आपको नहीं ध्यान, बहुत से लोगों को याद भी है, जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए उसके बाद RSS प्रमुख का एक ऑडियो स्टिंग वायरल हुआ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है हाँ, एक ऑडियो स्टिंग वायरल हुआ, और उस ऑडियो स्टिंग में ये सवाल भी पूछा गया बिडेरा सच्चा सौदा को आप कैसे देखते हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि जी डेरा सच्चा सौदा से पहले हम सिखों को अलग करेंगे, उसके बाद डेरा सच्चा सौदा को देखेंगे, पहले उनसे सिखों को अलग करेंगे। और उसके बाद 2007 में जो हुआ वो आप सबको पता है, और ये भी एक रिपोर्ट कहती है अभी RSS, अकाली दल, SGPC और ये चौटाला पार्टी वगैरह ये सब सारे BJP ये सब इकट्ठे हुए थे इस मसले को लेकर डेरा से सिखों को अलग कैसे करना है, और इस सबके बाद 2007 में जो हुआ वो सब आपके सामने ही है। अब क्या है कि जैसे जब पंजाब में RSS जाती है तो वहाँ उसको RSS को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहा जाता, वहाँ उनको राष्ट्रीय सिख संगत कहा जाता है, नाम उसका RSS ही है पर राष्ट्रीय सिख संगत कहते हैं वो। इसी तरह क्या है कि उनके यहाँ सेवादार वर्ड ये सब नहीं यूज होता, वहाँ वो खुद को स्वयं सेवक बोलते हैं। स्वयं सेवक मतलब अपनी सेवा खुद कर रहे हैं, खुद ही वो सेवा कर रहे हैं, ये सब कुछ इस तरह से इसका कोई मतलब निकलता है क्या है पता नहीं। तो अब क्या है, कल को मान लो हजूर पिताजी ने क्या किया था, जब परम पिताजी के टाइम पे बंगी दास को सेक्रेटरी बोलते थे, अब इंग्लिश में सेक्रेटरी बोल देते हैं लेकिन हिंदी पंजाबी में बोलने में सेक्टरी आता है, तो सेक्टरी बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये देखा भी वो सेक्टरी वर्ड जो था उससे जो बंगी दास थे या जो भी थे सेक्टरी, इनमें अहंकार आने लगा भी पता नहीं हम सेक्टरी हैं जी, जिला स्तर के सेक्टरी, ब्लॉक स्तर के सेक्टरी। तो एक अहंकार की भावना जब झलकने लगी तब हजूर पिताजी ने सेक्टरी वर्ड बदल के बंगी दास कर दिया, जिससे बंगी दास को अहंकार ना आए कि वो बंगियों का भी दास है। इस तरह से एक सेवादार को दीनता नम्रता में होना चाहिए, तो बंगी दास नाम पर हजूर पिता ने रखा भी भक्त को अहंकार ना हो। अब क्योंकि इसने फिर बदल के प्रेमी सेवक कर दिया, हालांकि इसको बदलते टाइम ये नहीं पता था कि भाई बहनें भी बंगी दास है और बहनों के भी अलग नाम चर्चाएं होती हैं, तो इसको ये नहीं समझ आया भी बहनों को क्या बोलूंगा। लेकिन ये प्रेमी सेवक वर्ड RSS के स्वयं सेवक से चुराया, जिस तरह RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से राष्ट्रीय सिख संगत हो गया, ऐसे स्वयं सेवक से प्रेमी सेवक बना दिया गया। अभी क्या है कि वो बोल रहा है भी भंगीदास अच्छा वर्ड नहीं है, ये हमने बदल दिया, क्योंकि क्या है कि एक तरफ तो मस्ताना जी महाराज के वचन भी सतगुरु की कोई निशानी रहने नहीं देगा, दूसरी तरफ ये RSS के पैटर्न पे। कल को ये बोले भी डेरा सच्चा सौदा की जगह राष्ट्रीय सच्चा सौदा कर दो और फिर DSS की जगह RSS लिखा जाए, तो कौन सी बड़ी बात है,
जब आरएसएस के ही पैटर्न पे सारा काम हो रहा है, और ऐसा नहीं है, हमने आपको कई बार बोला भी, आरएसएस की एक पूरी टीम काम करती है डेरे के अंदर, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ, जिसको अभिजीत भगत बबलू है और डेरे के दो डॉक्टर हैं अशोक कुमार और उसकी वाइफ, तो ये सब पूरी टीम काम करती है स्पेशल आरएसएस की, जो ब्राह्मण है, यूजुअली सारे लोग इस टीम में ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पैटर्न के ऊपर सारे काम करते हैं। भी इनका ये दावा है कि दुनिया में ब्राह्मणों के अलावा कोई बंदा गुरु बन नहीं सकता, बाकी सारे ब्राह्मणों से छोटे हैं, इसलिए ज्ञान देने का काम हमारा है, हमें तुम खिलाओ, मांग के हम खाएंगे, और उसके अलावा भी हम, और बाकी जो काम करने के लिए दूसरी दूसरे समुदाय बने हैं, हमारा काम सिर्फ इसका है ज्ञान देने का। तो कोई सिख या कोई सरदार या कोई और बंदा गुरु नहीं बन सकता, इस पैटर्न को लेके ही पूरे इंडिया में चलते हैं। और उस मनोपली में, मतलब हम इसको कह देते हैं भी, मांग के खाने वाले लोग हैं, जो भगवान के नाम पर मांग के खाने वालों का समुदाय है एक तरह का। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक ब्राह्मण वैसा हो, मेहनत करने वाले भी हैं, लेकिन क्योंकि गुरुओं के इतिहास में ये टर्म जो है, जैसे गंगू ब्राह्मण है, ये इस तरह के लोग क्या हैं, ये अक्सर गुरुओं के दुश्मन रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो शरण में आते हैं संतों की और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको ज्ञान होता है, लेकिन जो अज्ञानी स्वार्थी हैं आप, क्योंकि क्योंकि उनकी कम्युनिटी, जैसे आप दुनियादारी में कहते हैं भी हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, उसी तरह भी हर एक ब्राह्मण मांग के खाने वाला नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर गिनती जो है वो इन्हीं लोगों की दिखाई देती है, जो इस तरह के काम करते हैं, जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी चला के ये सब कर रहे हैं। अब इस सारे पैटर्न के बाद आपको समझ में आए भी प्रेमी सेवा के सब कुछ, अब ये चल क्या रहा है। हमने आपको लास्ट बोला था, अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है बीबीसी के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट्री को आपने देखा है, नहीं देखा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक तो वो बैन हुई हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स पे बहुत सारे लोगों ने इसके लिंक्स पोस्ट किए हैं, तो किसी ना किसी लिंक पे वो मिल जाएगी आपको, फिर वो लिंक ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई लिंक लोग लगातार डाल रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, तो उसमें कोई ना कोई लिंक आपको मिलेगा, आप देख लेना, मेरे पास अभी कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, और जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, किसी पॉलिटिशियन ने एक ट्विटर पर डाला था उसमें, तब तो वो चल रही थी, बाद में वो ब्लॉक हो गई, तब मैंने देख ली थी। जब आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, आपको एक चीज़ समझाई गई है उसमें, समझाई नहीं गई, अपने आप समझ आ जाएगी देख के, मतलब वो इस तरह से बनाई गई है भी आपको खुद ब खुद समझ आ जाए देख के, उसमें एक पैटर्न है क्राइम का। एक पैटर्न क्या है, या फिर ये कहें भी एक तरह का घटनाक्रम जो है उसकी एक चेन है, जैसे मान लो बाबरी मस्जिद ढही गई, उसके बाद गोधरा के अंदर जो कार सेवक थे उनको रेलवे ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिया गया, उसके बाद गुजरात में दंगे हुए, और उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में दंगे में जिसका नाम आया वही इलेक्शन में जीत गया, तो ये पैटर्न दिखाया गया। अब इसी पैटर्न को जरा आप यहाँ पे समझो, जून जुलाई के अंदर अचानक, अप्रैल के अंदर अचानक से, या अप्रैल से पहले कहें भी, 2021 की शुरुआत से ही एडम ब्लॉक ने ये दावा करना शुरू कर दिया, अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले, अगर कल को पिताजी आके कह दे भी मैनेजमेंट सही है, तो भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले पिताजी को गलत बता देंगे, लेकिन खुद को गलत नहीं मानेंगे। ये दावा उन्होंने जनवरी 2021 से लगभग शुरू कर दिया था, अप्रैल आते आते कानून हरियाणा सरकार ने बिना किसी कमेटी की सिफारिश के कानून में बदलाव किया पैरोल को लेके, और उस बदलाव के तहत जून के अंदर यूपी वाला अचानक से पैरोल पे बाहर आ जाता है। तो जब हमें लगता है अभी ये बंदा नकली है, तो हम इसका शोर मचा देते हैं, उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, उनको लगता है अभी हम काबू कर लेंगे, लेकिन चलो ये नकली है तो है, ये तो मान रहे हैं, बहुत से लोग मान रहे हैं, जब इस चीज़ की बात होती तो ये डिफेंसिव मोड में उतर आए, डिफेंड करने लगे। लेकिन इसके पैरल एक और चीज़ हुई, इसके पैरल पंजाब में एक सिख लीडर भी आया, उस सिख लीडर का नाम था अमृतपाल भी, उसी टाइम ये अचानक से दुबई से आता है और अचानक से पंजाब के अंदर फ्लरिश हो जाता है, और मीडिया में बड़े इंटरव्यू चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, ओवर द टाइम वो सिख कम्युनिटी में अच्छा अपना स्पेस बनाता है, लेकिन पैरल उसका एक राइवल भी उतरता है, जोसेफ जोसेफ विक्की जोसेफ ऐसा कुछ नाम एक और व्यक्ति आता है, तो क्रिश्चियन नाम है लेकिन सिख ही है वो भी आता है अचानक से बीच में, लेकिन फिर भी अमृतपाल एक अच्छी खासी इमेज बना लेता है। फिर ये जब दूसरी पैरोल पे आता है, तो ये सुनाम का पंगा खड़ा करता है, और सुनाम का पंगा खड़ा करने के बाद उसका रिएक्शन भी अमृतपाल की टीम की तरफ से आता है। अब ये इसने सलावतपुरा का पंगा खड़ा किया, सलावतपुरा का जब पंगा खड़ा किया तो भी अमृतपाल का रिएक्शन मीडिया दिखाता है, विक्की थॉमस जी, मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो विक्की थॉमस उसका एक तरह से पैरेलल राइवल बन के अमृतपाल का भी उतरता है।
लेकिन अभी इधर से अमृतपाल की ग्रोथ दिखाई दे रही है, इधर से यूपी वाले को मतलब तरीके से एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन आज क्या है, इन दोनों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। अब वो जबरदस्ती जानबूझ के उकसा रहा है किसको, सिखों को, भी देखो मैं तुम्हारे तुम्हारे रोकने के बावजूद मैं सत्संग करूंगा, मैं इतना प्रसाद बांटूंगा। उसके बाद आईटी विंग को स्पेशल बोला गया कि भी जो कई बार क्या होता है, कुछ गायक होते हैं जो अलग अलग सभाओं में गाते हैं, तो ऐसे में कुछ गायक सरदार भी होते हैं जो पगड़ी बांधते हैं, तो वो गायक कई बार डेरे में आके गा के गए हैं वो भी, तो कोई आ गया जिसको जैसे भी पेड़ आया, फ्री आया, शौक से आया या बुलाया गया, तो जानबूझ के आईटी विंग को बोला गया भी ये वाले वीडियोज वायरल करो जिसमें सरदार जो गायक हैं वो डेरे में आके गा कर गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, भी ये उकसाओ, देखो जी सिख तो यहाँ पे गाने गाते हैं आके, मतलब यहाँ पे भजन गा रहे हैं और तुम सिख विरोध कर रहे हो, तो एक मतलब हर चीज आईटी विंग को दिखाई गई भी इस तरह से उकसाओ। उसके बाद जो वहां सलावतपुरा में गया, उसका वो पिन्नियों का प्रसाद, ये सब वीडियो यूपी वाला डाल रहा है, फिर उसके वीडियोस को सच कहूं डाल रहा है, मच ना रीस कर, मतलब एक टोंट जितने भी उसने मारे उसमें प्रोग्राम में अपने, वो सारे टोंट के जो हैं वो उसके सामने वो बार बार सोशल मीडिया पे बार बार लाए जा रहे हैं यूपी वाले की तरफ से और उसके आईटी विंग की तरफ से, ये उकसाया जा रहा है। उधर से वो पैरेलल स्टेटमेंट जारी कर रहा है अपनी अमृतपाल, मतलब ये आमने सामने ला दिए। अब मसला क्या है कि बाबरी मस्जिद टूटेगी तभी तो गोधरा कांड होगा, अगर बाबरी मस्जिद को ना तोड़ा गया होता तो गोधरा कांड क्यों होता, और अगर गोधरा कांड ना होता तो फिर गुजरात के दंगे क्यों होते। इसका मतलब क्या है, एक इवेंट एक ट्रिगर है बाबरी मस्जिद। इधर से क्या है भी वो कहता है जी दूसरा सत्संग करके दिखाओ फिर सबक सिखाएंगे, ओपन बोल रहा है। उसके अलावा ऐसे भी इंटरव्यूज आ रहे हैं जो ओपन बोल रहे हैं भी हमने जी बम प्लांट किया था, हमने सुसाइड बॉम्बर प्लांट किए थे पहले, और भी ये सब प्लांट किए थे, और लेकिन हम मार नहीं पाए, लेकिन हमें मौका मिलेगा हम फिर से मारेंगे। अब आप इसमें चीज समझो, यूपी वाले के जितने भगत हैं, एक वो है पंडित जी महाराज, वो भी पंडित जी है, देखो हम इत्तेफाक नहीं होता ना, ब्राह्मण देवता गिरधर शर्मा, अब वो क्या लिख रहा है, वो क्या बोल रहा है, देखो जी ये मुस्कान तो मिल गई, ये तो सुसाइड बॉम्बर थी। अब ये सरदार बोल रहा है जी ये सुसाइड बॉम्बर हमने बना के भेजी, अरे पिताजी ने फिल्म में दिखाया सड़क से उठा के हमने एक लड़की बनाई अपनी, उसको पाला पोसा, उसको संभाला, उसका इलाज करवाया, भी उस सरदार ने जो उनसे सुसाइड बॉम्बर बनाई थी वो कौन सा पिताजी ने लड़की बना के रखी थी अपनी। लेकिन क्या है कि उनको अपने अपने हिस्से की चीज दिखानी है और हनीप्रीत से अटेंशन हटाना है, जबकि हनीप्रीत एकमात्र वो लड़की है जिसको पिताजी ने सड़क से उठा के अपने साथ रखा और उसका इलाज कराया और उसको सहारा दिया, उसको रखा, उसको सिखाया, काम सिखाया, उसको पैसे कमाने लायक बनाया या अपने पैरों पे खड़ा किया और उसको साधु भी बनाया। तो ये सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। अब मीडिया के अंदर एक बंदा ओपन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जानकारी दे रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा, और पैरेलल और कितने लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या यूपी में पुलिस प्रोटेक्शन मांगी गई, जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पे है इस चीज को लेके, बावजूद इसके बरनावा के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांगी जाती। पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पे बरनावा डेरे के पास एक नाका लगता है, उस नाके की पुलिस उठ के बरनावा डेरे के पास बैठ जाती है आके, 5-7 पुलिस वाले होते हैं ताकि उनको लंगर पानी वहां से मिल जाता है, उनको भी सहायता मिल जाती है, पैरेलल डेरे के अंदर मॉनिटरिंग, डेरे के बाहर उनकी मॉनिटरिंग रहती है, तो एक तरह से मतलब मैन पावर शेयर की हुई है, बफर किया हुआ है। अब उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं कहते, पुलिस प्रोटेक्शन का मतलब होता है गनमैन। अब सरकारी रिकॉर्ड में तो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन प्राइवेट के हिसाब से मतलब वहां पे सिक्योरिटी में कमांडो एक नहीं है, हथियार वाला कोई भी कमांडो वहां पे है नहीं, इधर से इतने स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं, जब स्टेटमेंट्स नहीं जारी हो रहे तब तो तुम इतनी सिक्योरिटी मांग रहे थे, अब जारी हो रहे हैं तब तुम सिक्योरिटी नहीं मांग रहे, इसका मतलब क्या, ये क्लैश जो है ये प्लांट है। अब मान लो ऐसी स्टेज पे अगर कोई बाबरी मस्जिद तोड़ने जैसा ट्रिगर कल को प्लांट करे, उसके बाद गोधरा और उसके बाद दंगा और उसके बाद इलेक्शन, तो आपको दिख नहीं रहा एक सेटअप, एक प्रॉपर सेटअप है, या तो पंचकुला जो कांड होने से रह गया उसको रिपीट कराना है, दूसरा भी अब जब शाहीन बाग का काम हुआ, जब शाहीन बाग में धरना हुआ था, आपको ध्यान हो ये भी उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, जब शाहीन बाग में धरना हुआ उसमें बहुत सारी लेडीज थी जो भाषण देती थी, हमें जब ये बात, जब यूपी वाला आया हमारे को भी किसी पुलिस वाले ने बोला कि
कहता जी यूपी वाला आया है, इसमें भी आपको अंदर करवाएंगे। हमने कहा भी हमें कैसे अंदर करवाएंगे? बोले वारदात ये करेगा, अंदर आपको कर देंगे, ये हमारा को लगता है। हमने कहा भी ये कैसे? कहते ये आपको सरकार का पैटर्न पता होना चाहिए। हम सोचते रहे, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्री देखी तब हमें समझ आया कि शाहीन बाग के अंदर लेडीज जो थी वो भाषण बहुत देती थी। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में शाहीन बाग से दूर, थोड़ा सा दूर, 20-25 किलोमीटर दूर, जाफराबाद दिल्ली में जगह पड़ती है, वहां पे दंगे हुए। जब वहां पे दंगे हुए, उस दंगे की इन्वेस्टिगेशन में कानून बनाया गया, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून के तहत शाहीन बाग में भाषण देने वाली लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया और 3-3 महीने, 4-4 महीने उनको जेल में रखा भी गया, जिससे वो धरना प्रदर्शन हमेशा के लिए दबाव में आ गया। जैसे ही ये दंगा हुआ, इस दंगे की आड़ में जितने भी एक्टिविस्ट थे जो शाहीन बाग को बैकअप दे रहे थे, उन सबको उठा लिया पुलिस ने। तो अल्टीमेटली शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट बंद हो गया। ये तो साथ में कोरोना लग गया, वरना तो CANRC अब तक लागू हो गया होता। अब इसी पैटर्न पे समझो भी, अगर ये यूपी वाला कल को ये कोई बाबरी मस्जिद प्लांट हो, फिर का कोई कांड प्लान कर लें, मान लो उदाहरण के तौर पे, हालांकि ऐसा हो ना हो कह नहीं सकते, उदाहरण के तौर पे मान लो ये दोबारा सत्संग लगा ले सलावतपुरा में जबरदस्ती सिखों को चिढ़ाने के लिए, वो आवेश में आके कोई डेरे की बिल्डिंग तोड़ दें, जिसे आप बाबरी मस्जिद से कंपेयर करो। बिल्डिंग तोड़ने के बाद उधर से उनका उनका क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, और एक आदमी तो उनका ये भी बोल रहा है भी ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिखाने के लिए, असल काम तो कुछ और ही हो रहा है, और वो ओपन मीडिया में ये बात बोल भी रहा है। पैरेलल अगर मान लो उनके यहाँ कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए, बस वो हो गया गोधरा कांड, और उसके बाद उनको दिया जाए फ्री हैंड, कितने के लिए चलो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे भी कर लो जो करना है, भी जैसा गुजरात के दंगों में हुआ, जो दिखाया गया और डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। और उसी पैटर्न के बाद सिखों के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सारे बाहर होंगे, मतलब जितने भी एक्टिविस्ट होंगे उनको क्या होगा, पुलिस फोर्स या आर्मी उतार के या पैरामिलिट्री उतार के उन सारे एक्टिविस्ट को उठा के डाल दिया जाएगा जेल में। अब जब सारे चले जाएंगे जेल में, तो वह रह कौन जाएगा? रह जाएगा SGPC और अकाली दल। अब सिखों के पास ले देके वही मसीहा बचेंगे जो पहले थे। अब जितने SGPC और अकाली दल से अलग लीडर हैं, वो सारे उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और उनको उकसा के कोई वारदात करवा के उन सबको अंदर डालो। अब सिखों के लिए वापस से SGPC और अकाली दल मसीहा बन जाएगा। इलेक्शन होंगे, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो वापस से अकाली दल या BJP मिलके पावर में दोबारा आ जाएंगे। सिंपल सा पैटर्न है, और ये एक्सपेरिमेंट गुजरात में हो रखा है, ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली में भी हुआ, असम का भी उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, और बिहार में भी कुछ चीज़ें यूपी में भी दिखाई गई हैं। वो जब आप देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। अब इस चीज़ को अगर हम इस तरह से भी मतलब समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ आया भी ये सब चल क्या रहा है, क्यों ये RSS के पैटर्न पे बार बार यूपी वाला काम कर रहा है। असल में ये पैटर्न टारगेट डेरा नहीं है, डेरा तो कह लो भी शेर का शिकार करने के लिए डेरे को बकरी बनाया गया है। अब क्योंकि जो पिताजी हैं वो बब्बर शेर हैं, अब ये BJP को भी पता है, ये RSS को भी पता है, भी काबू नहीं कर सकते, तो पिताजी की जगह इन्होंने पिताजी जैसा बना के एक बंदा, गधा कह लीजिए या जो भी कह लो, उसको पेश कर दिया है। ये तो मार ही देंगे, क्या फर्क पड़ता है इसको। और इस सब के बाद अगर मान लो यूपी वाले को ना भी मारे और ये सारी वारदात हो जाए, और यूपी वाले को कहीं भी तेरी पैरोल रद्द की जाती, तू वापस जेल में जा, तब आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है ये साबित करने के लिए भी सारी वारदात में पिताजी का हाथ नहीं है और ये बंदा नकली था? तब आप साबित कर पाओगे सारी चीज, क्योंकि इसकी हर एक एक्टिविटी किसी ना किसी क्राइम को सपोर्ट कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अचानक से गवर्नमेंट का इतना लीनियंट होना, इतना मतलब दरिया दिली दिखाना, जहां इतना क्रूर होना था पहले, वहां दरिया दिली दिखाना, शाही परिवार का इस सारे सेटअप से बाहर होना, इसका मतलब शाही परिवार इस सारी चीजें जानता है, तभी वो इस सेटअप से बाहर है। तो आपको ये समझ में आए भी ये सारा पैटर्न कुल मिला के इस तरह का है भी, जो एक अलग तरह से क्राइम की एक बिसात बिछाई गई है, जिसकी जरूरत 2024 के इलेक्शन में भी है और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने में भी है, क्योंकि दो फ्रंट के ऊपर BJP इलेक्शन लड़ नहीं सकती। क्योंकि पैरल अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें, तो आपको समझ में अभी कैसे अडानी के शेयर, जो अडानी बाजार जो देख रहे हैं लोग, शेयर मार्केट, उनको पता है भी अडानी ने 10 दिन के अंदर अडानी का $80 बिलियन का नुकसान हो गया, $80 बिलियन। अब आप अंदाजा लगाओगे, जो बंदा वर्ल्ड में तीसरे नंबर का अमीर आदमी था, वो वर्ल्ड में 22वें नंबर पे पहुंच गया। तीसरे नंबर पे पहुंचने के लिए कितने लोगों का हक उसने मारा, कितने लोगों के
लोग अपने कर्जों की वजह से जेल में गए, जिसका पैसा अडानी को दिया गया, और उसके बाद वो तीसरे नंबर पे पहुंचा। लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो 10 दिन के अंदर इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया भी इंडिया में भी वो अंबानी से नीचे आ गया, जबकि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे पहुंच गया था। तो आप अंदाजा लगाओ भी किस, अगर भगवान गिरने पे आए तो ऐसे गिर भी देता है। सेकंड पैरेलल इस डॉक्यूमेंट्री का आना, जिसमें नरेंद्र मोदी की असलियत का दिखाना, अभी असलियत है या नहीं है पता नहीं, कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिली है प्रधानमंत्री को, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से दिखाया गया है उसको आप झुठला भी नहीं सकते, जिस तरह से दिखाया, क्योंकि पंचकुला हमने खुद फेस किया है, इसलिए हम उस डॉक्यूमेंट्री की हर एक बात को समझ सकते हैं। क्योंकि एजेंडा ये है कि जब ये पूरा एजेंडा एक प्रधानमंत्री लेवल पे इस देश को जबरन हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसमें किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप का सर्वाइव करने देना ही नहीं है। और उस सब के बाद पिताजी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो धर्मों को जोड़ते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है धर्मों को तोड़ता है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट विचारधारा है, मतलब एक किस तरफ घूम रहा है, एक उल्टा घूम रहा है। इसलिए पिताजी को रास्ते से हटाना इनकी प्राइमरी जरूरत थी, जो इन्होंने 2017 में किया, और ये सब कुछ सेटअप जो आज हो रहा है। तो इसलिए ये सब जो भी है ये आप सोच समझ के चलिए कैसा है, और जिस तरह से ये हो रहा है, कल को इकोनॉमिक क्राइसिस आए देश में, खास तौर पे स्टेट बैंक के यूजर्स के लिए, ये LIC में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अपनी पॉलिसीज ली हुई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो है। अब इसमें आखिरी में एक पॉइंट मेरे पास रह गया, वो है कि हाई कोर्ट के अंदर एक सुनवाई चल रही है, और आज भी उसमें सुनवाई थी। दंगे के अंदर जो नुकसान हुआ, दंगा हुआ पंचकुला में, उसमें बहुत सारे गाड़ियां तोड़ी गई, सब कुछ हुआ, नुकसान हुआ, उस नुकसान के की भरपाई कौन करे, ये मतलब हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेके बहस हुई है, और लगभग इसका फैसला शायद 17 फरवरी को आ भी जाएगा। तो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा इस बहस के बाद, आज संगत में जो नोटिस रखते हैं, जो हाई कोर्ट को स्टडी करते हैं, कि जी क्या ये ऐसा संभव है। देखिए कानून क्या कहता है, मान लीजिए हाई कोर्ट कल को एक फैसला दे कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई डेरा करेगा, उसकी भरपाई डेरा करेगा, तो संवैधानिक तौर पे ये कानून गलत है, संवैधानिक तौर पे कानून गलत है, डेरा उसकी भरपाई नहीं करेगा। क्योंकि आम तौर पे दंगा फसाद ये सब देश में बहुत बार हुआ है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि दंगा करने वाले लोगों को से उसकी उसका लॉस वसूला गया हो। दूसरी बात कि ट्रायल कोर्ट से बहुत सारे लोग बरी हो चुके हैं इस दंगा करने को लेकर, तो इसलिए ये साबित नहीं किया जा सकता भी ये दंगा वास्तव में डेरे के लोगों ने किया भी था या नहीं, और जिन्होंने किया वो डेरे के प्रबंधक हैं। और ट्रस्ट ने, क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्ट नहीं दिया, तो डायरेक्ट ट्रस्ट है तो वो इसके अकाउंटेबल है, उसके लिए अकाउंटेबल है नहीं। दूसरा, कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। मतलब क्या है, मान लीजिए आपको बोला जाए भी आज एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने की सजा 2 महीने कैद है भारत के कानून के मुताबिक, और 5 साल बाद अगर उसी थप्पड़ मारने की सजा 6 महीने कैद हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है जिसको 2 महीने पहले कैद हुई थी उसको 4 महीने कैद और काटनी पड़ेगी। वो कानून जब बनता है उससे आगे लागू होता है, ना कि उससे पीछे। तो हाई कोर्ट क्या, क्योंकि ये दंगा सिर्फ हरियाणा में नहीं, ये हरियाणा में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, दिल्ली में भी और राजस्थान में भी, हर जगह हुआ। रेलवे सेंट्रल प्रॉपर्टी है, तो हाई कोर्ट सेंट्रल लेवल पे कानून बना नहीं सकती है, पहली बात। दूसरा, ये कानून बनेगा तो जिस दिन ये फैसला आएगा उससे आगे लागू होगा, उससे पीछे नहीं लागू होगा, क्योंकि 2017 के बाद किसान आंदोलन भी हुआ है, और उसके बाद दिल्ली का दंगा भी हुआ है, ऐसा बहुत कुछ हुआ जहां पर ट्रेनों की आवाजाही या नुकसान बहुत कुछ हुआ है। तो ऐसे में ये कानून 2017 के हुई वारदात पर लागू नहीं हो सकता। वो अलग बात है जब जितने चमत्कार डेरे के, इंटरनेशनल कोर्ट के जो वकील हैं डेरे में, जितेंद्र खुराना जैसे या सरवारा जैसे या हरीश छाबड़ा जैसे, जो इंटरनेशनल कोर्ट में मतलब बड़े से बड़े जेठमलानी जैसे वकीलों को भी फेल करते हैं, अब वो उनकी दलील हो, उन जैसे वकील अगर पैरवी कर रहे हो तो बेशक ये जुर्माना लगा बैठे, ना भी लगाएं तो ये आपसे पैसा जरूर वसूल लेंगे उसका, और पहले भी हाई कोर्ट का डर दिखा के बहुत सारा पैसा ये वसूल चुके हैं आपसे। तो जितना तो नुकसान कोर्ट को भरना नहीं था, जितना पैसा ये संगत से वसूल चुके हैं। तो ऐसा है, इसमें कोई आप इस चीज़ में कभी कन्फ्यूज मत होना भी कल को कोर्ट गए, हाँ जी डेरा पैसा भरेगा, तो हाई कोर्ट चंडीगढ़ कितने भयंकर फैसले देती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गवाह, उसकी हमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने की। और बाकी, क्योंकि हाई कोर्ट में आपने जीरा फैक्ट्री, जो जीरा में एक शराब की फैक्ट्री थी, अगर जिसने हाई कोर्ट में उस केस की बहस के बारे में जानकारी हासिल की हो,
तो उसको पता चल जाएगा अभी हाई कोर्ट में फैसला कैसे हुआ और किस तरह से हाई कोर्ट ऐसे सरकारों के साथ मिल भी जाती है फिर अलग भी हो जाती है, और कैसे ये पैंतरा मिनट मिनट पे कोर्ट में बदलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर ये आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं भी कल को अगर ये फैसला आ जाए तो ये गैर संवैधानिक होगा, डेफिनेटिव होगा, और रिट्रोस्पेक्टिव कानून ना हाई कोर्ट बना सकती है, ना पार्लियामेंट बना सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। ये भारत का संविधान ही ऐसा है, जो कानून बनेगा वो आगे चलेगा, पीछे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होगा भी आगे अगर कोई दंगा होगा तो जो आगे जब दंगा होगा तब उसका भरपाई कोई करवाना चाहे वो एक अलग बात है, इससे पीछे जो हो चुका उसका पैसा नहीं वसूल सकते। तो खैर बैन वीरपाल कौर मरसत लाइन पे हैं, पंजाबी जो पंजाब के लोग हैं उनको थोड़ा ये सलावतपुरा में जो हुआ और उसके बाद जो प्रेमी सेवक वगैरह वगैरह ये सब नौटंकी चल रही है, तो इस सब के बारे में जानकारी देंगे। और इसके अलावा यूपी वाला क्या क्या और हजूर पिताजी की निशानियां मिटा रहा है, वैसे हम आपको हर रोज एक पोस्ट डाल देते हैं, फिर भी पंजाबी वासी लोग जो है पंजाबी में ज्यादा बेटर समझते हैं, उनको इतिहास के नजरिए से चीजें देखनी है, तो बैन वीरपाल कौर मरसत लाइन पे आप उन्हें सुनिए। हाँ जी बहन जी, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी आपां नूं इक गुड़ वाली कहानी सुनाया करदे सी कि एक माता सी उहदा पोता जिहड़ा सी उह गुड़ बहुत ज्यादा खाया करदा सी, क्योंकि विशेष संत कोले लैके गई ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਈ, ਵੀ ਗੁੜ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਖਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ 90 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸਰ ਮੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 100% ਨਹੀਂ 1000% ਖੜੇ ਉਤਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 4% ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
जून दे विच पहला ये आया, फिर उस तो बाद नवंबर दे विच आया, फिर जनवरी दे विच हुण आपां देखिया भी आया किन्ने भंडारे नवंबर च भी होए, हुण भी होए, जून दे विच भी इहने सत्संगां कीतियां, इत्थों तक जून च जदों आया उस तो बाद इहने माता जी दा नाम चिट्ठियां विचों भी कढ़ता। ते फिर संगत नूं दसो ना वी तुहाडी मां ने इहो जिहा कहिड़ा कसूर करता, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਰਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 27 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਐ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਅਮਤ ਛਕੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਜੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2007 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ।
अजे मतलब यूट्यूब ते नहीं है, पर ये मैं खुद सुनिया होया किसी ने किया होगा संघ तो अक्सर ही कर लेंगे पत्रकार। गुरु प्यारी साहब संघ जी जो कुछ 2007 दे विच होया वो दोबारा रिपीट करन दी पूरी तैयारी है। उदों भी जो सरकार सी, चलो हुण तां थोड़ा इन्ना फर्क है, हुण जिहड़ी सरकार आम आदमी पार्टी दी है, जो सेंटर दी सरकार है उही नीचे सरकार नहीं है, उदों भी थोड़ा जिहा पंजाब दा इन्ना फर्क पै गया सी कि जो सेंटर दे विच सी सरकार उह पंजाब दे विच सरकार नहीं सी। सेंटर दी सरकार अलग सी, कांग्रेस सरकार सी, इसे करके जो मनसूबे 2007 दे विच बीजेपी और आर एस एस श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी ने मिथे हुए सी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਦਪੁਰਾ ਡੇਰਾ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਲਾਈ ਕੋਫਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 2017 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਤੇਰੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਰਕੇਸ਼ ਜੜਵਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਵਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਵਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 200% ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲਾਡਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਨਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 200% ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸਲੀ ਆਊਗਾ,
फिर तू नकली है ना, नकली है। ऐसे करके तू एम एजी वन फिल्म पे क्यों नहीं बोलता, एम एजी टू पे क्यों नहीं बोलता? कौन लीडर है, कौन लीडर है जेडिया फोटो साढ़े गुरु पिता जी लैके एक कहना पुलिस फौज न मेनू बंदा जेड़ा है चाहे ज्यादा चाहिए तो चाहे की लाश चाहिए। दसो ना सर, दुनिया नु दसो भी आप दिया फिल्मा बड़ा हर चीज हाईजेक तो की जा रही है। गुरु पिता जी की जी साह संगत से असर करे वह चीज का तू बड़ी लै रहे हैं। सर एम एस जी ऑनलाइन गुरुकुल तो तू कह रहा एम एस जी ऑनलाइन गुरुकुल की सच्चाई भी दसना दे विच गुरु पिता जी ने की दिखाया होया है? दस फिर पिता जी ने दिखाया की होया है? जिन्होंने शूटिंग देखी हुई है तेरे डुप्लीकेट अखी देखे हुए तैयार किए हुए दस ना कौन बंदा सी जिन्हें डुप्लीकेट का रोल किया? अगर तेरे च माड़ी मोटी भी अणख है ना दस फिर सच दस। जे तू अपने आप को इना सोचा साबित कर रहा ना जेड़ा बंदा ऑनलाइन गुरुकुल दे विच डुप्लीकेट बनाया गया सी बिल्कुल डिटो जिन गुरु पिता जी ने कहा कि असि तो कहा भाई सारे स्टंट असं आप कर लेंगे पर हनप्रीत हनीप्रीत वाल हाथ करके गुरु पिता जी ने कहा कहते भाई ये नहीं मनी ये कहते नहीं असं थोड़ा डुप्लीकेट तैयार करा तो फिर जो औखे स्टंट है यही करूंगा। गुरु पिता जी कहते साडा तो भाई परम पिता जी ने मस्ताना ही ने इतना तकड़ा शरीर बनाया असं कुछ मर्जी कर लिए। दस ना फिर वह बंदा दस कौन सी जिन तैयार किया गया हू गु डिटो बिलकुल गुरु पिता जी वर्गा सच दसो ना तो फिर चंगी तरह दसो ना सच क्यों नहीं सच दस अपने केसा बारे सच दस। स्टेज से चढ़न तो पहला घट्टो घट तेरे दिमाग च यह भी होना चाहिए कि तेनू कोर्ट ने बलात्कारी से कातल सिद्ध किया हो दस ना लोगों तू अपनी सच्चाई जो कोर्ट ने फैसला किया तू कदे तो एक लाइन बोल भी जो कोर्ट ने फैसला देता सीबीआई कोर्ट ने जो फैसले दिते तीन तीन गुरु पिता जी ने जरा इना दोषी करार करवाता तेरी मैनेजमेंट ने नकली दी नकली मैनेजमेंट ने जरा गुरु पिता जी ने दोष ला के जेल भेजा दस ना वह कारण की सी कि वह जेडे इल्जाम लगे सही सी जां गलत चल इस गल का ही जवाब दे कुछ का जवाब दे सारी दुनिया जवाब पूछ रही है। हम जो उन्ती जनवरी देखा भंडारा कि सोशल मीडिया से जरा इतना इना शोर पे लोगों ने की कहा कहते बंदा बलात्कारी हो कातल हो दूजे सिक्ख्या दिता फिर फिरता हो गल भी उदो तेरे कन्न मुंदे जाते हैं होर गल तेरिया को तेरे को सारिया पहुंच जाओ तो तू बड़ा कह दे मैं मच ना रीस कर तो फिर इन्होंने गलों के जवाब कौन दे बी ये तो मतलब कली कली गल तेरे को भी पहुंच रही है सारी सबन तू भी सुन रहे ते तेरे चेले भी सुन रहे हैं तेरी मूहली प्रबंधक कमेटी तेरी रूड़ी भी सुन रही है जवाब दो ना फिर लोगों दिन गलों का की जो मतलब के केस जेड़े होए दोषी साबित होए दसो ना लोगों की कारण रहे वकीलों ने सही केस नहीं लड़े जज ने गलत फैसला सुनाता जां सरकारां दी कोई साजिश सी ते जां फिर वो गुनाह कीते होए सी दसो कारण की है ना क्यों उल्ट सारे फैसले आए ए नहीं भजा जाना जिम्मे तुम ऐ सोचा भी मैं तो हम आए बह गया हम मोए नाल पालिया चंगा मास्क वधिया 2 लाख रुपये का मास्क बन जाता जिदा मर्जी बनवा लो ते अजकल इना सिस्टम आंदा इनी टेक्नीक एडवांस अजकल जिहदी मर्जी आवाज कढ लो ते तैनू की लगता है भी उत्थे बैठ के भी मैं मोए नाल आवाज कढी इना दिन तां किसे नूं दिंदे नहीं उत्थे बिना माइक तो ही किसे नूं मिलदा नहीं ना बोलदा ते की ये चलाकियां शहरियां समझ नहीं आउंदियां किसे नूं। गुरु प्यारी साहब संगत जी बहुत वड्डियां साजिशां चल रही हैं अज भी संगत जे थोड़ा जिहा संभल जे ना होशियार हो जाओ जेड़ा इह तुहानूं सफाई अभियान ते लई फिरदा ना इह कदे किते कह दिंदा भी इस जगह ते किते किते कह दिंदा भी इस जगह ते कमाल है गुरु पिता जी नूं एक जिहड़ी हैगी शहर दी परमिशन नहीं मिलदी सी राजस्थान दे विच गंगानगर दा सारिआं नूं पता किवें मौके ते सफाई अभियान कैंसल कीता गिआ सी। अच्छा 2-4 की वो तो दस सिख आ गए होने डीसी को नहीं कर देना ते हुण पंजाब दे विच जदों 29 जनवरी का सीगा ते किन्ने थावां ते सिखां ने सरकार नूं कहा सी वी नहीं होण देना सत्संग किवें होया बई ते हुण कहदा नानी हुंदा राजस्थान दे विच सिख है नहीं गे हुण कहदा विरोध नहीं करदे होणगे ते फिर हुण किवें सारा कुछ हो रहा ते गुरु पिता जदों श्री गुरसर मोड़े ते वापस आए सी ना ते उदों कहिंदे हुंदे सी सानूं पता तारां कित्थों हिलदियां कहते सट देंदे अफसर से कहते अफसर भी की मजाल है
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ MSG 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, 15-15 20-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। 4000 ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਥੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ RSS ਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਸਾ ਬਣਾਤਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਸਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇੰਸਾ ਨਾਮ ਲਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜਤਾ, ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਧ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ RSS ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਲ ਪਲੈਂਡ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜੂਨ ਚ ਆਉਣਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨਕਲੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ
अपने आप नू सारे ने जिन्ने भी मिशन से खत्म करके संतां नू अंदर करके अपने आप नू विश्व गुरु बनाना चाहुंदा सी ते अज इहदा सब तों वड्डा साथी जिहदी इहनू सब तों वड्डी सपोर्ट सी जिहदियां सपोर्ट दे उत्ते बैठा सी जां जिहदी सपोर्ट दे उत्ते खड़ा है ते अज उही सपोर्ट सारी दुनिया दे सामने आपां नू पता किवें डिग रही है जिहड़ियां खरोड़ियां दे सहारे चल रही है जां जिहड़ियां खरोड़ियां ने सहारे वास्ते लईआं होईआं आपां नूं पता वी किवें अज ओह डिग रही है ते किवें धड़ा धड़ जिहड़ा हैगा सारी दुनिया देख रही है। तां गुरु पिता जी जी ना इह वचन जिहड़े पूरे होणगे, गुरु पिता जी ने इक वारी वचन करे सी कहिंदे करन नूं तां असीं इकदम कर दईए सब कुछ, इह मैं खुद वचन सुणे होए आ गुरु पिता जी दे, कहिंदे करन नूं तां असीं इकदम कर दईए सारा कुछ पर कहिंदे किसे दे हजम नहीं आउणा, इसे करके कहने असीं सारा कुछ हौली हौली कर रहे हैं ते गुरु पिता जी तां हजम करा रहे हैं। अज मैं अडानी डिगे ना धड़ा धड़ ते देखो फिर इसे तरह किवें पिता जी दे वचन होए वी है इह, कहिंदे जिहड़े आह साइकलां तों जहाजां ते हो गए ना ते फिर सतगुर इक दिन जिहड़ा दे सकदा वापस वी लै सकदा जहाजां तों साइकलां ते आउंदिआं नूं देर नहीं लगूगी, इक वारी नहीं पता नहीं किन्ने वारी वचन होए आ गुरु पिता जी दे इह ते इह जिहड़ा अज मलाई कोफ्ते खांदे ना हुण गुरमेल 45 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੇ ਅਸੀਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ ਜਾਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੇਲ 45 ਮੈਂਬਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, 2017 ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਹ 5 ਸਾਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਠੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਧੂਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਦੇਖਿਓ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ, ਕਲਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਲਯੁੱਗ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਕਲਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਦੇਖੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਧੜਾ ਧੜ ਧੜਾ ਧੜ ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੀ ਰੂੜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜਭਾਗ ਆਈ ਰਹੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਉਹ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਲਾਈ ਕੋਫਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਆਊ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਆਊਗਾ, ਤਰਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਬਚਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਓ ਮਾਰਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ, ਆ
नमूना लिया के ना यूपी च बिठाता सारी दुनिया के जलूस कढ़ी जाने सतगुर का किन्नी कु तुसी गुरु पिता जी की पग नू नीवा करोगे किन्ना कु तुसी होर मिट्टी च रोलोगे सतगुर की पग नू केड़ी गल की वड्याई है दस्यो जे तुसी इन्ने ही अणखा वाले 45 मैंबर तुहानू शर्म नहीं आती मलाई कोफ्ते खाण नू तां तुसी कहता संगत मॉडर्न होगी तुसी ये क्यों नहीं कहते भाई संगत सानू ये कहती है जेहड़े गुरु पिता जी ते लगे हुए कलंका पहला वह लाओ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਜੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕ ਇਹ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਸਰ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਦਾਈ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਖੋਤੇ ਪੜੇਗੇ ਬੜੇ ਸੋਟੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਰੇ ਕਰਮ ਖੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਸੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਨਿਤੋ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਆਸਰਾ ਤੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੁਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹੇ ਸਭ ਆਪਸ ਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਰਹੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਲੌਟਾਏ ਸਭ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਚਲੇ ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਾਮਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਮੇਂ ਸਭੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया तू दया में रहमत कर तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है जिसको जैसे देनी है वैसी दे वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।